Hey, brother. हिंदुस्तान के जवानों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान के फौजी जवानों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की रक्षा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइना की जानिब से चाइना और हिंदुस्तान की सरहद पर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जिस अंदाज में चाइना की तरफ से ख़त्म किया गया उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, और फिर साथ ही उन जवानों को जिन्होंने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया उनको खराज अकीदत पेश करते हुए उन माँ बाप को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी इस तरह की औलाद को जन्म दिया जो मुल्क की हिफाजत में अपने आप को मिट्टी में मिलाकर भी मुल्क की हिफाजत करने के लिए तैयार थे। इस मौके पर हम अपने दुश्मन मुल्क को ये बता देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे फौजियों को नाहक कत्ल किया है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के ये 20 जवान जो इस वक्त जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है उन्होंने 20 लाख को हौसला दिया और यहाँ के 20 लाख नौजवान इनके हौसले से अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जानों को देने से दरेग नहीं करेंगे। और फिर आबरूए वतन बचाने को अपना एक एक जवान है प्यारे, ये हम दुश्मन मुल्क को बताना चाहते हैं। और फिर साथ ही हम ये भी कह देना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद इस सिलसिले में इन जवानों की जो मौत है इस मौके पर जो उनकी नाहक जान ली गई है आला सतही सिफारती ताल्लुकात पैदा करके चाइना से बात करे कि किस सिलसिले में हमारे इन नौजवानों को ख़त्म किया गया, हमारे इन फौजियों को ख़त्म किया गया। फिर एक मर्तबा हम इन जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए इस मुल्क के मिल्लत इस्लामिया जो इस सेंट्रल कमेटी की जानिब से हम ये बता देना चाहते हैं कि पूरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए यहाँ का एक एक जवान तैयार है इस वास्ते कि इस मुल्क की हिफाजत हो सके। ये बातें कहता हुआ मैं आखिर में तमाम मुल्क के बाशिंदों से कहूँगा कि यकीनन हमारे जवानों की इस मौत से हम रंजीदा हैं। एक देश रक्षण लो भागंगा माँ भारत देश वीर सैनिक मन्ना
चाइना देश दुश्चर्य तो दादापू 20 मंदी मन सैनिक भारत देश सरहद गाल्वान प्राप्त में 20 मंदी वीर तम प्राणाल सैतम देश जी क्रम मुस्लिम सेंट्रल कमिटी जगित्याल आध्वर्यंलो मन वीर सैनिकुलकु अमरुलकु श्रद्धांजलि घटिस्तू वारी कुटुंबालकु सानुभूतिनि तेलियडं जरिगिंदि। कानी दीन्नि तिप्पिकोट्टडं मन प्रभुत्वं दीन्नि एंतो अवसरंगा तीसुकोवाली। मल्ला इटुवंटि ए शत्रु देशमैन इटुवंटि दुश्चर्य पाल्पडकुंडा మన సైనికులను తయారు చేయాలి। ఎట్టి క్రమంలో కూడా వెంకటంగా వేయదు। మనం వీరికి దీటుగా జవాబు ఇవ్వాలని మరోసారి నేను మా భారత ప్రధాని గారికి విన్నవిస్తున్నాను। ఈ అమరులు ఎవరైతే తన ప్రాణాలను మన దేశం కోసం త్యాగం చేశారు మళ్ళోసారి ముస్లిం సెంట్రల్ కమిటీ జగిత్యాల తరపున వారి కుటుంబాలకు మా సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాము। మేము మీ వెంట ఉన్నాం। మరియు ముఖ్యంగా మన ప్రభుత్వం కూడా వీరి మన వీరి తల్లిదండ్రులకు మరి వీరి కొడుకులకు కూడా ప్రభుత్వం తరపున ఎక్స్‌క్యూజ్ చెల్లించాలి। వీరి అవసరాలను కూడా ప్రభుత్వమే చూసుకోవాలి। జై హింద్। हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय ना डॉन डॉन, जय ना डॉन डॉन, जय ना डॉन डॉन। हमसे जो टकराएगा मीटिंग में। वी स्ट्रांगली कंडेम द अनप्रोवोक्ड अटैक ऑफ चाइना ऑन अवर लैंड इन गलवान वैली लद्दाख। द इंक्लूजन ऑफ चाइना इज अनएक्सेप्टेबल। वी स्ट्रांगली कंडेम एंड वी ऑल्सो offer our condolence to the brave soldiers who sacrificed their life for our nation in protecting our borders. We also offer our condolence to the families of those soldiers. On this occasion we demand the government to take strong and firm action and resolute this with peaceful manners. They should do all those actions which can solve this problem and which can insist China to vacate all those territories which they occupy, because you know the military experts told us that this area is very much important strategically, because the road which goes to the north sub sector military lifeline, it goes through that Ladakh area. So if China occupied that area, it means they can block our lifeline to the military which is leaving or which is existing in sub sector north area. So we strongly demand the government to take confidence of opposition, take the confidence of the people, take the confidence of the military also, because they are the one who can say the strategically what is good and what is not. And also the people of the India, they should take in the confidence and resolute this and insist China to vacate all those occupied territories. On this occasion, on behalf of our committee, again I offer my condolence to the brave soldiers. Thank you very much.